गर्मियों में कुछ चटपटा खाने को मन करता है। हेलो एंड वेलकम टू ऑल इन रसोई। आज हम बनाएंगे आम की लोंजी। आम की लोंजी को शादियों में भी बनाया जाता है, तो चलिए बनाते हैं आम की लोंजी। इसके लिए मैंने 3 कच्ची कैरी ली है, जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। कैरी को वॉश करने के बाद हम उसका ऊपरी भाग डिस्कार्ड कर देंगे। इस तरह हम सभी कैरियों का ऊपर का पार्ट डिस्कार्ड कर देंगे। सभी कैरियों को हम छिलके के साथ रफली चॉप करके एक प्लेट में रख लेंगे। अब एक कढ़ाई में हम 2 से 3 टीस्पून तेल डालेंगे। जब तेल हल्का गर्म हो जाए तब हम इसमें 1/2 चम्मच मेथी दाना डालेंगे। जब मेथी दाना लाल हो जाए तब हम इसमें 1/2 चम्मच राई डालेंगे। राई को अच्छी तरह से हम तड़कने देंगे। जब राई तड़क जाए तब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरे को भी तड़कने देंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये अपने स्वाद के हिसाब से डालें। और 1/4 चम्मच हींग डालेंगे और इसमें कटे हुए आम के टुकड़े डालेंगे। कच्चे आम का छिलके में विटामिन, मिनरल, डाइट्री फाइबर बहुत पाया जाता है। इसके छिलकों में इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। इसी के साथ ये हार्ट, लीवर, कैंसर, स्किन, हेयर और वेट मैनेजमेंट के लिए अच्छा होता है। करछी की सहायता से हम पूरी पीसेस को अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब इसमें हम 2 कटोरी पानी डालेंगे। हमें इतना पानी डालना चाहिए ताकि ये पीसेस उसमें डूब जाएं। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब इन पीसेस को उबलने के लिए छोड़ दें जब तक ये पूरी तरह से पक न जाए। जब तक ये उबल रहे हैं हम कुछ मसाले भून लेते हैं। कढ़ाई में 1 टीस्पून मेथी दाना डालेंगे। मेथी दाने को तब तक भुनना है जब तक ये लाल ना हो जाए। जब ये लाल हो जाए तब हम इसे एक कटोरी में निकाल कर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। कढ़ाई में 2 टीस्पून मोटी सौंफ डालेंगे और इसे लगातार चलाएंगे जब तक ये हल्की खुशबू न छोड़ दे। सभी मसाले भुनते समय गैस की फ्लेम लो रखें। जब सौंफ हल्की सी भुन जाए तब इसमें 2 टीस्पून खड़ा धनिया डालेंगे। अब इन दोनों को हम हल्का लाल होने तक भुनेंगे। जब ये पूरी तरह भुन जाए तब हम इसे एक बाउल में निकाल कर हल्का ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब इसमें 1 टीस्पून जीरा डालकर उसे भी हम भुनेंगे। जीरे को भी हमें हल्का लाल होने तक भुनना है। जीरे को भी हम भुनने के बाद बाउल में निकाल कर रख देंगे ताकि ये सभी मसाले हल्के से ठंडे हो जाएं। जब सभी मसाले हल्के गर्म हों तब हम इसे एक ब्लेंडर में डालकर पीसेंगे। सभी मसालों को एकदम महीन ही पीसें। हम कैरी के पीसेस चेक कर लेते हैं कि वो पके कि नहीं। जब कैरी के पीसेस पूरी तरह से पक जाएं, तब जो हमने मसाला भुनकर रखा था उसे हम इसके ऊपर डालेंगे। सब्जी को आपको कितना पतला या गाढ़ा रखना है उस हिसाब से ही मसाला डालें। मसाला डालने के बाद करछी से अच्छी तरह से मिलाएं ताकि मसाला पूरी तरह से मिल जाए। मसाला मिलाने के बाद इसे उबलने के लिए छोड़ दें। इसे हमें 1-2 मिनट ही उबालना है। 1-2 मिनट उबालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा गुड़ डालेंगे। यहाँ मैं गुड़ का मेजरमेंट इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये कैरी की खट्टाई पर डिपेंड होता है। गुड़ को करछी से पूरी तरह मिला लें और इसे उबलने के लिए छोड़ दें जब तक गुड़ पिघल ना जाए। इसमें हमने जीरा, सौंफ, धनिया डाला है जिसकी तासीर ठंडी होती है, जो गर्मी में अच्छा होता है। आप देख सकते हैं हमारी आम की लोंजी तैयार हो चुकी है। तो लीजिए, तैयार है टेस्टी और चटपटी आम की लोंजी, जिसे आप पराठे पूरी के साथ परोस सकते हैं। इसे आप फ्रिज में 8 दिन स्टोर करके भी रख सकते हैं। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।